गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ लेसन 3, वर्क एट स्कूल। ठीक है, स्कूल में हमारे कौन कौन से काम होते हैं, हमारी कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पिक्चर्स में दो फ्रेंड्स हैं, है ना। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, तो वो लोग अपने स्कूल में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करिए कि स्कूल में स्टूडेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि सबसे पहले तो क्लास क्लीन रखनी चाहिए, है ना, क्लास में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अपनी कॉपी बुक्स कंप्लीट रखनी चाहिए, कॉपी बुक्स नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा डेली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस या कॉपी बुक स्कूल लेकर जाना चाहिए। ठीक है, टीचर की बातें सुननी चाहिए, हमेशा होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए या जो भी वर्क आपको दिया गया है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्लास में टीचर के आने से पहले बोर्ड क्लीन कर देना चाहिए। ठीक है, चॉक अगर नहीं है तो चॉक लाकर रख देना चाहिए। ठीक है, अगर टीचर ने कॉपी सबमिशन के लिए बोला है तो सभी से कॉपी कलेक्ट करके टेबल पे रख देना चाहिए। ठीक है, अगर टीचर ने कॉपी चेक कर दी है तो एक एक करके सभी को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक मैं ऑडियो प्ले कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लिसन टू माया telling her father about her first day at school. Hi Maya, how was school? Hello Daddy, it was good. What did you do in school today? First we had a yoga session. A yoga session? Did you get tired? No Daddy, it was fun. After yoga, we went to our classrooms. Okay, and? We learned about rivers and lakes. And we drew a river with fish in it. You drew? Did you write about rivers? No, Daddy. Our teacher asked us to draw a river and color it. It was very interesting. What else did you do? Then we had our English lesson. We had to listen to a girl talking and do some exercise. I loved my English class. You did a listening activity in your English class? Very interesting. After that, we used blocks and tiles to learn fractions. I understood fractions so well. Wow, your school is interesting. What else did you do? We also watched a short film on how to obey traffic rules for our lesson on road safety. Then our teacher taught us the road safety rules. That is very good. Yes, we learned a lot. But we also enjoyed our lessons. I told my friends that I liked the new school. I really like my new school. I'm so glad that you like your new school. यहाँ पे माया है, ठीक है? माया ने एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है, तो उस न्यू स्कूल में माया का फर्स्ट डे कैसा था ये अपने फादर के साथ माया शेयर कर रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से ऑडियो सुनते हैं, और ऑडियो सुनने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो ऑडियो ध्यान से सुनते हैं। लिसन टू माया टेलिंग हर फादर अबाउट हर फर्स्ट डे एट स्कूल। हाय माया, हाउ वाज स्कूल? हेलो डैडी, इट वाज गुड। व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे? फर्स्ट वी हैड अ योगा सेशन। अ योगा सेशन? डिड यू गेट टायर्ड? नो डैडी, इट वाज फन। ठीक है, यहाँ पे डैडी पूछ रहे हैं, माया हाउ वॉज योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? तो माया कह रही है, बहुत अच्छा था डैडी, हमने फर्स्ट डे क्या किया, योगा सेशन किया। ठीक है, तो माया के डैडी बोल रहे हैं, अरे तो तुम तो थक गई होगी। तो माया कह रही है, नहीं डैडी, इसमें बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग बिफोर हर क्लासेस व्हाट डिड माया डू, माया अपनी क्लास के पहले स्कूल में क्या कर रही है? तो शी प्रैक्टिस योगा। ठीक है, उसने योगा प्रैक्टिस की। फिर से सुनते हैं।
After yoga, we went to our classrooms. Okay, and? We learned about rivers and lakes. And we drew a river with fish in it. You drew? Did you write about rivers? No, Daddy. Our teacher asked us to draw a river and color it. ठीक है, उसके बाद माया बोल रही है कि उसके बाद हम लोग क्लास में चले गए. ठीक है, क्लास में टीचर ने हमको रिवर और लेक्स के बारे में बताया. ठीक है, हम लोगों ने रिवर ड्रॉ किया और उसमें फिश भी बनाया. ठीक है, तो माया के डैडी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने रिवर के बारे में कुछ लिखा भी. तो माया कह रही है, नहीं डैडी, टीचर ने हमें सिर्फ रिवर और लेक्स ड्रॉ करके उसमें कलर करने को कहा था. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है. आफ्टर लर्निंग अबाउट रिवर्स एंड लेक्स, माया ने क्या किया रिवर और लेक के बारे में सीखने के बाद माया ने क्या किया. तो माया ने रिवर ड्रॉ किया था, है ना. तो आंसर इज बी. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट एल्स डिड यू डू? देन वी हैड आवर इंग्लिश लेसन. We had to listen to a girl talking and do some exercise. I loved my English class. You did a listening activity in your English class? Very interesting. After that, we used blocks and type. ठीक है, उसके बाद रिवर ड्रॉ करने के बाद जब ये क्लास ख़त्म हो गई तो नेक्स्ट क्लास कौन सी थी. रिया की इंग्लिश क्लास थी. ठीक है, तो सॉरी माया की. तो माया ने वहाँ पे लिसनिंग एक्टिविटी की, है ना. एक गर्ल बोल रही थी और सुन के उन क्वेश्चंस के आंसर देने थे. तो माया के डैडी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं अरे वाह, आज तुमने लिसनिंग एक्टिविटी की. तो माया कहती है हाँ डैडी, इसमें भी बहुत मज़ा आया. तो माया ने क्या किया इंग्लिश क्लास में, लिसनिंग एक्सरसाइज किया, है ना. टू लर्न फ्रैक्शंस. आई अंडरस्टूड फ्रैक्शंस सो वेल. वाह. We used blocks and tiles to learn fractions. I understood fractions so well. Wow, your school is interesting. What else did you do? उसके बाद English class के बाद माया ने क्या सीखा? Blocks और tiles की help से fraction सीखा. ठीक है, तो माया के daddy बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते wow, तुम्हारा school तो बहुत ज़्यादा interesting है. और तुमने क्या क्या किया school में? तो फिर माया आगे बताती है. We also watched a short film on how to obey traffic rules for our lesson on road safety. Then our teacher taught us the road safety rules. That is very good. Yes, we learned a lot, but we also enjoyed our lessons. I told my friends that I like the new school. I really like my new school. I'm so glad that you like your new school. उसके बाद last class में माया ने क्या किया? माया को एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई. ठीक है, तो एक वीडियो देखा माया ने. उस वीडियो में क्या था, रोड सेफ्टी के बारे में वो वीडियो था. ठीक है, तो वीडियो देखते देखते माया ने एंजॉय भी किया और साथ में टीचर ने उसे सेव रोड सेफ्टी रूल्स भी बताए. ठीक है, तो एंजॉय करते करते माया ने बहुत कुछ सीख भी लिया. ठीक है, रोड सेफ्टी के बारे में. तो माया बोलती है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कि मेरा नया स्कूल बहुत अच्छा है. तो माया के डैडी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपना नया स्कूल बहुत पसंद आया. ठीक है, तो आगे की एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय.